तन और मन को स्वस्थ रखने का सबसे सशक्त माध्यम योग को माना गया है। भारत की सदियों पुरानी परंपरा योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने में भारत की भूमिका अग्रणी रही है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जिसके फलस्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित हुआ। तब से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। इस अवसर पर आज संपूर्ण राष्ट्र में न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे गांवों में भी सामूहिक रूप से योग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग की महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस श्रृंखला में जनपद सदस्य सुश्री पूजा टिकरिया ने ग्राम भिबोरी के सेवा सहकारी समिति प्रांगण में प्रातः से ही सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया था। वर्तमान परिवेश में योगा का महत्व, योग की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको अपने जीवन के नित्य क्रिया में योग को शामिल कर प्रतिदिन योग अनिवार्य कर देना चाहिए। वर्तमान में कोरोना महामारी की तरह फैल रहा है, उसके प्रति सभी को जागरूक सतर्क रखने की सलाह भी दी एवं उपस्थित योग साधकों को काढ़ा भी पिलाया गया तथा सैनिटाइजर वितरित किया गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना न भूलें IDP24 न्यूज़। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।